हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। स्वागत है अपने ब्लॉग में। तो गाइस, हो चुकी है सुबह। मैं कर रहा हूँ आज गुड मॉर्निंग क्योंकि मैं जल्दी उठ गया था, स्कूल जाना था और आज लास्ट दिन ही जाना है। उसके बाद तो गर्मी की छुट्टियाँ पड़ जाएगी मस्त। तो हाँ, आज मैं स्कूल बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ना होलीडे होमवर्क होगा, वो मैं ले लूँगा स्कूल के अंदर जाकर कि कौन सा काम है, और नोट डाउन कर लूँगा। और हाँ, जब छुट्टी होगी तब आ जाऊँगा। तो मम्मी अभी अपना मेरा नाश्ता बना रही है अभी, और ख़ुद के लिए भी बना रही है कि क्या बनाना, मतलब दोपहर को मैं क्या खाऊंगा और मम्मी क्या खाएगी, तो वो भी बना रही है। मम्मी उसकी सेटिंग कर रही है। तो मैंने सोचा मैं गुड मॉर्निंग कर लूँ। अभी बस मैं नहाने जा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी सुबह के। तो बस अभी मैं उठाऊँ और जाऊँगा थोड़ी देर के अंदर। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। मैंने अभी अभी कट करी है क्योंकि मैंने रात को ही वॉश करके रख दी थी। वॉश करने का मतलब एक ये होता है कि जब सूख जाती है, गीली गीली हो जाती ना, तो फिर हाथ में लेस छूटती है। तो मैं जैसे कि सुबह बनानी तो रात को धो के रखती हूँ, और अगर शाम को बनानी है ऑफिस से आकर तो फिर सुबह धो के रख के जाती हूँ। तो अभी मैंने भिंडी कट करी है, यहाँ भी तड़का लग रहा है। तो जस्ट अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मैं भी लेके चली जाऊँगी, और तो अलग भी घर को खा लेगा क्योंकि अभी मैं स्कूल जा चुका है। तो मैंने उसको दिया था बनाकर पनीर का पराठा। अभी सब्जी बनाएंगे, उसके बाद का इस शाम को तो बनेगी रोटी, मेरी बन चुकी है और बस अभी सब्जी बनेगी। आज मैं इसको बना रही हूँ गाइस देसी घी में। तो मैंने सोचा आज देसी घी में तड़का लगा के देखती हूँ इसका। तो इसके मैंने प्याज बारीक बारीक कट करके डाल दिए, और भिंडी डाल दूँगी इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर मसाला। तो प्याज भूनने के बाद गाइस मैंने भिंडी को मिक्स कर दिया, साथ में मैंने नमक मिर्च मसाला, मतलब नमक डाला, हल्दी डाली और मिर्च डाली, और मसाला और धनिया पाउडर में डालूंगी लास्ट में, और आमचूर पाउडर भी डालूंगी लास्ट में ताकि ये लेस ना छोड़े और चिपकी चिपकी ना बने। और इसको गाइस मैं ओपन ही बनाऊंगी क्योंकि ढकने से ना क्या होता है, इसमें ना रेशा से निकलने लग जाती है, जैसे कि आपको पता होगा लेस छोड़ने लग जाती है। तो भिंडी को हमेशा ओपन ही बनाना चाहिए। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:30, और मैं आ चुका हूँ स्कूल से। जल्दी आ गया आज क्योंकि मेरे को पता नहीं था आज हाफ डे था स्कूल के अंदर, मतलब मेरे को पता ही नहीं था, बताया नहीं था स्कूल के अंदर कल भी। हाँ, मैं चला गया, अब मम्मी को पता नहीं मैं आ गया हूँ, तो बस अभी उनको कॉल करूँगा मैं। अभी 11 बजे छुट्टी होती थी, 11:30 भी मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, थक गया हूँ काफ़ी। लेकिन अब तो छुट्टियाँ पड़ चुकी है, अब तो वेकेशन है मेरी, तो अब तो बस रेस्ट करूँगा मैं। अभी तो रेस्ट करूँगा, फिर काम भी तो करना ही है स्कूल का, तो अभी मैं बस रेस्ट करूँगा, बहुत थक चुका हूँ मैं। आज गेम्स का पीरियड भी था तो उसके अंदर फुटबॉल खेला था, उसको खेल के भी बहुत थक गया मैं, मैंने काफ़ी सारे गोल रोके। तो बस अब मैं रेस्ट करूँगा और मिलता हूँ आपसे। तो गाइस लंच में मैं खा रहा हूँ दही, साथ में भिंडी जो कि मैंने डिमांड करी थी मम्मी को कि बना दो क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है, और साथ में रोटी। गाइस तो ये मेरा लंच है, ये तो अभी मैं करूँगा। लेकिन एक और चीज़ है स्कूल के अंदर ना, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, मतलब लंच ही कहते हैं उसे। हाँ, तो 11 बजे हुआ था वो, लेकिन मैंने करा नहीं क्योंकि 11 बजे छुट्टी होनी थी, मेरे को पता नहीं था ना हाफ डे था। तो हाँ, मैं आ गया घर पर लेकर वो लंच, लेकिन मैंने खाया नहीं अभी तक। तो हाँ, अभी ना मैं जब चाय बनाऊँगा ना शाम को तब खा लूँगा मैं मम्मी के ऐसे पहले, वरना डांट पड़ जाएगी। तो हाँ, अभी तो मेरा खाने का मन नहीं है पराठा, क्योंकि ये खा रहा हूँ मैं। तो हाँ, पराठा मैं खाऊँगा शाम को। तो गाइस अभी मुझे थोड़ी देर हो गई है ऑफिस से आए हुए, और आते मैंने चाय वगैरह पी, रौनक ने चाय वगैरह बनाई, चाय पी और थोड़ा सा रेस्ट करा और थोड़ा सा प्रीति के साथ बातें करी। तो मैंने सोचा अब मैं काम कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए बाहर गई थी, और सामान लेके मैं जैसे घर के अंदर घुसी गाइस, इतनी अंधेरी आ रही है ना कि आप पूछो मैं, अभी ये दरवाज़ा भी ना अपने आप ही खुल ही जा रहा है। आप ये सोचो कि गली में अंधेरी आ रही है, मतलब आंधी आ रही है, और अभी दरवाज़ा अपने आप अंदर से खुल रहा है, और मेरे को सांस चढ़ गया। मैं फटाफट से ऊपर, मैंने कपड़े डाले हुए थे, मैं फटाफट से भागी, वो मेरे से सांस भी नहीं ले जाती, मेरे दम तक घुट गया था मेरा, मैं सांस नहीं थी, इतनी आंधी चल रही है। तो इतनी मिट्टी मिट्टी होगी ना बरामदे में, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो, भर चुका है पूरा, और एकदम से इतनी आंधी है ना कि पूछो मत। और मेरे बाल देख सकते हो, मेरी आंधी से ना मेरे बालों के सत्यानाश हो गया गाइस। तो बस बड़ी देर भाग भाग के मैं सांस चढ़ गई मुझे। तो बस अभी मैं अपना काम करूँगी गाइस, क्योंकि रौनक अभी बैठा हुआ था, तो रौनक कहता मम्मी रोटी वगैरह सब्जी वगैरह कर लो, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने भिंडी की सब्ज़ी। तो गाइस मुझे लगा कि अभी भिंडी चल जाएगी, पड़ी हुई है रौनक और मेरे लिए, तो हम दोनों वही खा लेंगे। वैसे तो रौनक ही भिंडी खाएगा दही ले लेगा साथ में, जैसे भी उसका दिल करेगा, पर मेरे को अभी खाना है जो सूजी का चीला होता है, मैं वही खाऊंगी हल्का फुल्का, क्योंकि मुझे रात का खाना अभी हैवी नहीं करना क्योंकि दिक्कत लगती है मुझे। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा।
भाई देखो इतनी अंधेरी आ रही है। भाभी मेरी बाल्टी को कह रही है कि बाल्टी उठा के क्यों नहीं लाया रोने का। बहुत देखो इधर आके देखो मेरे हाथ में ना बाल्टी, इधर आके देखो ना ये देखो। हाँ मालूम है मुझे। अरे इसमें देखो इसमें क्या मेरी अंधी डायरेक्ट आंखें हैं। डायरेक्ट आंखें आपकी। अच्छा बाप रे मिट्टी से उड़ सारा ऊपर सारा सांस भी नहीं ली जाती। मैं ऊपर चलती आई हूँ अभी। मम्मा दुखी दुखी क्यों घूम रहे हो यार? दुखी दुखी घूम रहे हो? नहीं तो घूम रहे हो ना, बात कर रहे हो ढंग से, दुखी दुखी घूम रहे हो, चुपचाप मौन व्रत रखा है। नहीं आस पास से भी चल रहा है, पता नहीं मुँह लटका कर ये वो। मैं वो परेशान कर रहा हूँ खाना बनाने के लिए, इसलिए चलो वो भी ठीक है। आपको रील नहीं देखने दी बैठ के मैंने, इसलिए इसलिए जैसे ही बैठती ना मम्मी ये कर लो मम्मी ये कर लो पता था ये कर लो, ये जब भी मैं बैठती हूँ ना इसको कोई ना कोई काम याद आ जाता है, मुझे हमेशा उठा देता है। अब मैंने क्या रहना था, मैंने चुप ही रहना, मैंने बोला ही नहीं है। अच्छा इसलिए दुखी है। अच्छा तो इस बात का गुस्सा आपको मुझसे? नहीं जैसे कि गुस्सा करके मैंने कहाँ जाना है। वो भी है, हाँ वो भी है। मैंने तो खाना खा लिया है आपके हर। मैं बना रही हूँ अपने मटर वाले चावल। अरे जो कि मैंने अभी सोचा हुआ था कि मैं अभी सूजी का चीला होता है ना वो बना लूंगी हल्का फुल्का। अच्छा बेसन वाला? अच्छा तो वो क्यों नहीं बनाया? फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मटर देखे जब मैंने कहा मटर खराब, इतने से मटर बढ़ते मैंने कहा खराब और मत लाना अब और मत लाना। नहीं और नहीं लेके आ रही तो। अच्छा और क्यों ना लेके आऊं? नहीं मेरे को तो अच्छा लगता है ना मटर, मेरा खून खोलता है देखकर मटर। बने क्यों है? बने क्यों है? हाँ सही बात है। तेरे पापा भी कौन सा खाते थे मटर? मेरे को तो पसंद ही नहीं है। तेरे पापा भी नहीं खाते मीठे मीठे। और मैंने सोचा कि चल चिल्ला क्या बनाना है, मटर दिख गए मैंने कहा छोड़ देते हैं चावल बना लेते, तो मेरा मूड चेंज हो गया था, मैंने बना लिया अपने लिए राइस मटर वाला। अच्छा तो साथ में दही लोगे? अब नहीं दही नहीं लूंगी मैं, ऐसे ही खा लूंगी अचार के साथ, मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं। अच्छा तो मेरे लिए तो नहीं है ना, मेरे को तो नहीं खाना पड़ेंगे दोपहर को। दोपहर को कल दोपहर को? हां कैसी बात कर रहे हैं? देखो तोरी तो नहीं खाऊंगा, आप जो अभी देखना देख रहे। बस नहीं खा लिया थोड़ी सी, खा लिया अच्छी होती है, ठीक हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। हरी सब्जी तो आप खा रहे हो ना अभी? हाँ तो मेरा मतलब मैंने खाई तो है हरी सब्जी, मैंने खाई है हरी सब्जी, हाँ भिंडी खाई तो है। हाँ, तो मैंने भी खा ली थी। अब मैं रोटी एक टाइम खा सकती हूँ, दूसरे टाइम में रोटी नहीं खा सकती। ठीक है फिर चावल ही खाओ ऐश करो। हैप्पी बर्थडे चाचू, हैप्पी बर्थडे राशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे लाइट चली गई। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आशु कहता है कोई बात नहीं, एक बात है आशु के लिए, सोचो कि लाइट आई थी। सही बात, कोई बात। काश ये होता हमारे बीच में। भाभी इंसान बन जाता है, ज्यादा नहीं है उसकी मतलब खुला पाता कोई नहीं। आज को बड़ा दिल दुखता है, मम्मी नहीं है ये नहीं है, एक साल में दो बंदे चले गए, वो तो है किसी की याद नहीं भूल सकते। तो गाइस अभी लाइट चली गई है दोबारा फिर से, वो तो ना तार हिल जाती है इन्वर्टर की ना, तो अभी चला दूंगी, सेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी ना। इलेक्ट्रिसिटी का ना पोल वगैरह कोई गिरा हुआ या कुछ आंधी तूफान है बिजली के कारण, हाँ उसकी वजह से खंभा गिर गया हुआ है, तभी करके अभी इसको फिक्स कर रहे हैं। वो फिक्स कर रहे हैं उसको, सही कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे अभी। अभी यार आ जानी चाहिए लाइट, वो इन्वर्टर कब तक चलेगा? ये तो उसकी देन तो बैठ तो रही है, वो भी खराब हो थोड़ी सी हो जाता है ना दिक्कत। और ऊपर ऊपर जाके देख के आ पहले, इतना धूल है। मैं गई तो थी ऊपर जब वो कपड़े लेने के लिए, सारे गमले मेरे सामने तो थे, गमले छोड़ा तो हम उठा के आए, सारे गमले उठा के आए ना तो गाइस आज है आशु जी का हैप्पी बर्थडे, तो मैं उनके लेके आई थी ये रोज़। और पहले मैंने सोचा था कि रेड रोज़ लूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं वाइट और पिंक रोज़ लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर वाइट रोज़ के पास था नहीं तो मैं पिंक रोज़ लेके आई हूँ। और लास्ट टाइम मैंने उनके वैलेंटाइन डे पे मैंने दिया था, तो अभी मैंने कहा मैं चेंज कर देती हूँ, तो इस करके मैं अभी इनको विश करूंगी।
विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड। अरे फूल गिरी को जा रहा है। मिस यू अ लॉट। तो गाइस आज है मेरे रजत बसरा जी का मतलब कि आशु जी का हैप्पी बर्थडे। तो मेरा सुबह से वैसे बहुत मूड खराब था, बहुत ज़्यादा मूड खराब था, क्योंकि आपको पता ही कि सबको पता है कि जो अपना कोई चला जाता है तो नहीं अच्छा लगता। तो बस मैं सुबह से बहुत मिस कर रही थी गाइस बहुत। अभी मैं केक लेके आई थी और पूरी फैमिली ने केक कट करा, क्योंकि चलिए सोने भाभी नहीं थे, क्योंकि अभी एकदम से लाइट आ रही थी, कभी लाइट जा रही थी, तो आज बहुत लाइट ने बहुत प्रॉब्लम करी है। मैं लाइट भी बहुत कम यूज़ कर रही थी क्योंकि इन्वर्टर हमारा थोड़ा सा लीक चल रहा है, तो मैंने कहा फिर रात को दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने लाइट वगैरह कम यूज़ कर रही थी। तो सोने भाभी ने सो गए थे, फिर मैंने गोल्डी भी आकर ललिता भाभी को बताया कि मैं केक लेकर आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि चलो सारे इकट्ठे बैठ के कट करते हैं। तो बस फिर वो केक कट करा हमने। और मेन चीज़ ये है कि जब भी इनका हैप्पी बर्थडे होता था ना गाइस, मैं मतलब एक चॉकलेट और एक फ्लावर तो फिर ज़रूर देती थी। और कुछ हम लोगों में ये चलता है कि जब शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो दूसरों को ये चीज़ें गिफ्ट वगैरह देना, वो तो अब आगे पीछे कभी भी बंदा दे सकता है, पर हमेशा वही कोई एक ओकेजनली बंदा नहीं देता कि कोई स्पेशल डे होगा तब देना, वो तो बंदा आगे पीछे वैसे भी दे देता है। पर हाँ, एक जो चॉकलेट होती है या एक रोज़ होता है, तो वो तो बंदा एक तो बर्थडे होता है, एक एनिवर्सरी होती है, या फिर वैलेंटाइन डे होता है, या ऐसे कोई भी डेज होता है तो बंदा देता है। और सुबह से मेरा मूड वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, आपको मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत अपसेट थी, मेरा दिल बहुत दुख रहा था उस टाइम, क्योंकि पिछले साल गाइस हम लोग जैसे इनके ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो उस टाइम हम लोग किसी ने बताया था कि मैक्लोडगंज मतलब कि कैंसर की दवा मिलती है, तो उस टाइम मैंने तो बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे डॉक्टरी इलाज चल रहा है वो चल रहा है, तो एक बार सब बोल रहे थे चांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखते हैं। तो पिछले साल हम इसी दिन को मतलब कि हम 10 मई को निकले थे मैक्लोडगंज के लिए, और रात के मतलब हमारी 9:30 बजे की ट्रेन थी, ट्रेन नहीं थी बस थी थोड़ी, और वहाँ पे फिर हमने उससे अगले दिन फिर दवाई वगैरह ली, फिर थोड़ा हैप्पी बर्थडे विश करा। तो मतलब पिछले साल हम दोनों एक दूसरे के साथ थे बर्थडे पे, और हम भाग मैक्लोडगंज गए थे दवाई लेने के लिए। और अभी आज ये दिन है कि सोचा भी नहीं था कि बंदा होगा ही हमारे बीच में। तो आज सुबह से गाइस मेरा बहुत मूड ख़राब था, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, मैं बहुत रोई आज ऑफिस में, मैं इतना रोई मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं कोई कहते ना कि आस पास देख देख के भी रोना पड़ता है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, तो मतलब घर पे आके भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं सुबह से नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और सुबह से क्या मुझे जैसे ही डेट्स आती है ना 10, 11, 12, 13, 14 मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं बुरा फील होता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस आज हैप्पी बर्थडे उनका। तो गाइस प्लीज़ जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके आशु जी के लिए हैप्पी बर्थडे विश करना। और प्लीज़ उनके लिए ब्लेसिंग देना कि वो जहाँ भी हो खुश हो, सुखी हो, बस ऐसे भी आशु जी के लिए। मेरे मुझे रजत बसरा जी के लिए ना गाइस, मैं इनको जब बुलाती थी ना, मैं हमेशा ये होती है हेलो रजत बसरा जी, कैसे हो रजत बसरा जी, तो मैं ऐसे बोलती थी। अभी मेरे मुझे रजत बसरा जी निकलता रहता है बार बार, आशु जी तो कभी बोले नाम तो कभी लिए था, पर हाँ मैं रजत बसरा जी भी बोलती थी कि कभी प्यार से मन कर रहा है बोलने का, तो बोलती थी। अभी मुझे रजत बसरा जी निकली जा रहा है बार बार। तो आशु जी के लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे जाके हैप्पी बर्थडे विश करना उनके लिए प्लीज़, और साथ में उनके लिए ब्लेसिंग देना कि वो जहाँ पे भी हो तो खुश हो, सुखी हो, शांति से हो, और जो प्रॉब्लम इस जन्म में उनको हो गई थी वो आने वाले किसी भी जन्म में उनको कोई दुख छू तक न सके। बस मेरी भी बहुत ही प्रार्थना है, तो प्लीज़ आप ये प्रे करना। ओके, तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, प्यारे सी नई सुबह के साथ गाइस। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आपका साथ बहुत मिल रहा है गाइस, उसके लिए मैं दिल से आपकी थैंकफुल हूँ। और प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार और अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहती गाइस कि आज दोबारा फिर से मैं दोबारा ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो मेरा मन है बोलने का कि रजत बसरा जी का, आशु जी का आज हैप्पी बर्थडे है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे जाके एक बार उनको बर्थडे विश करना और उनके लिए ब्लेसिंग करना कि वो हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में, जहाँ पे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, वो बिना किसी तकलीफ़ के हों। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी यादों में वो
हमेशा से थे और अभी भी हैं और मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहेंगे, क्योंकि मैं बचपन से प्यार करती हूँ उनसे और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक करूँगी गाइस। तो मैं आई लव हिम वेरी मच और आई मिस हिम वेरी मच गाइस। तो प्लीज़ उनके लिए आप एक बार बर्थडे विश करना और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।